नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। अज की क्लास थोड़ी लेट हो गया क्योंकि अज मेरे एरिए काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। जो थोड़े भी एरिए बारिश हुई है, अज मीह पिया है, तो वीडियो कमेंट करके मैंने एक बार जरूर दस कि बारिश हुई है थोड़े एरिए, मतलब तेज़ हुई है या स्लो हुई है, थोड़ी थोड़ी हुई है। तो इस क्लास में आप पावर पॉइंट रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों कवर करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं। बट इस तो पहले तुम्हें मैं दस दा आप एम एस वर्ड की भी क्लास तुहानू मैं प्रोवाइड करवा दी है, तो एम एस एक्सल की भी क्लास तुहानू प्रोवाइड करवा दी है। जो तुसी वो क्लासेस नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड में दोवें क्लासा का तुहानू मैं लिंक दे देंगा, एंड स्क्रीन पर जाके चैक कर लियो, वो वीडियोज़ भी एक बार जरूर विजिट कर लियो। तो क्वेश्चन नंबर एक की गल करिए, एम एस पावर पॉइंट एप्लीकेशन शुरू करने लिए आपको सब तो पहले की करना पैंदा है। हुण जिवें तुहाडे सामने यह मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है, हुण जे मैं एम एक्स एक्सल इस विच खोलना चाहना तो सब तो पहले नीचे स्टार्ट का बटन मिल जाता, इस विच आपां नूं रन का ऑप्शन मिल जाता, उस विच आपां सर्च कर सकते हैं। पर मेरी इस विंडो विच सीधा इत्थे ऑप्शन दिता होया तो इत्थे मैं पावर पॉइंट सीधा टाइप कर देंगा तो यह नॉर्मल खुल जाती है। की होगा सब तो पहले आपको स्टार्ट पे क्लिक करना पवेगा, उस तो बाद रन का ऑप्शन आपको स्टार्ट मिल जाता है, तो टाइप करना पवेगा पावर पॉइंट, फिर आपको पावर पॉइंट का जो एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर टू की गल करिए, लेटेस्ट पावर पॉइंट 2019 है, ये भी याद रखियो। विच एक स्लाइड शो शुरू करने लिए शॉर्टकट की F5 दबना पवेगा। हुण पावर पॉइंट में स्लाइड किसको कहते हैं, आप इधर देख सकते हैं, यह पेजस आपको मिले हुए हैं इधर 1 2 3 4 5, यह स्लाइड स्लाइड होंदिया ने पावर पॉइंट में की हो स्लाइड शो शुरू करने लिए कि बटन दबाँगे। आप F5 दबता है, इस तो जो भी आप स्लाइड शो तो लिखा होगा, इस स्लाइड तो जो भी लिखा होगा आपको इतने शो होंगी रहेगी इतने। तो क्वेश्चन नंबर 3 की गल करिए, करंट स्लाइड शो शुरू करने लिए किहड़े आपां नूं शॉर्टकट की दी जरूरत पैंदी है, तां इस नाल आपां नूं शिफ्ट प्लस F5 यूज़ करना पैंदा है। हुण करंट स्लाइड शो तो मतलब की है, हुण जे आपां नॉर्मली जे आपां F5 नप के तां उह स्लाइड शो जिहड़ी स्टार्ट हुंदी है उह फस्ट पेज तो स्टार्ट हुंदी है। हुण एग्जाम्पल दे तौर ते मैं 4th नंबर स्लाइड ते कम कर रहा, तो इस दी जिहड़ी मैं स्लाइड शो ऑन करना चाहना तां मैनूं शिफ्ट प्लस F5 दबना पवेगा, फिर इतों ही जी इस पेज तो ही 4th नंबर पेज तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की गल करिए, करंट प्रेजेंटेशन न्यू स्लाइड शॉर्टकट की कीड़ी है, तो कंट्रोल प्लस M जो आप अपने कीबोर्ड से दबाँगे तो एक होर नई स्लाइड अपने सामने ओपन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की गल करिए, पावर पॉइंट में स्लाइड स्टोरर डैश मेन्यू तो उपलब्ध है, व्यू मेन्यू अपन इतने देखने को मिल जाता है, उपर तुम देख सकते हो। तो इससे आप जिमें क्लिक करेंगे तो इतने आपको स्लाइड स्टोरर नामक पूरे मतलब फीचर आपको इतने मिल जाएंगे। जो एग्जाम आ जाता है तो स्लाइड स्टोरर नामक जोड़ा अपना फीचर होंगे पावर पॉइंट में, वह व्यू मेन्यू में देखने को मिलता है। एंड दोस्तों, अगे चलने तो पहले एक छोटी जी इनफॉर्मेशन तुहाडे लई, जे तुसीं डिजिटल लिटरेसी कंप्यूटर पोलिटी जनरल साइंस पंजाब जीके एंड कल्चर रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में खरीदना चाहते हो जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है, तो यह मेरा इंस्टाग्राम आई डी नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी लैके फिर तुसी इस इंपोर्टेंट PDF फाइल में बाय कर सकते हो। काफ़ी कैंडीडेट्स ने यह PDF फाइल ऑलरेडी बाय कर लिया, जो तुसी भी अपने एग्जाम की तैयारी में परफेक्ट बनाना चाहते हो तो एक बार इस PDF फाइल में जरूर बाय कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 की गल करिए, स्लाइड एग्जिस्ट एंड अनदर इंटर के विचकार मोशन इफेक्ट को लागू करने लिए तुसी किहड़ी विशेषता की वरतों करोंगे, तो तुसी उपर देख सकते हो ट्रांजेक्शन का फीचर अपने को है। इस जिवें ही आप अप्लाई करते हैं तो अपनी स्लाइड है जी अलग अलग मतलब जादुई तरीके घूम फिर के जा टुट फुट के एवें मतलब जुड़ जाती है एक तरह न। 7 की गल करिए, रेडीमेड फोंट कलर और ग्राफिक्स चुन के किहड़ी चीज़ तुहानू नवी प्रेजेंटेशन बनाउण दी आग्या दिंदी है, तो डिजाइन टैंपलेट फीचर भी आपां नूं ट्रांजैक्शन दे नाल डिजाइन दे फीचर दे नाल मिल जाता है। तो इत्थे तुसीं देख सकदे हो नए नए डिजाइन दा कोई भी आपां स्लाइड चूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे तौर ते इत्थे चेंज हुंदा रहिंदा जिहड़ा भी बैकग्राउंड है अपनी स्लाइड का। एंड क्वेश्चन नंबर 8 की गल करिए, पावर पॉइंट डैश का एक हिस्सा है, तो एम एस ऑफिस का जो पैकेज होंगे जिस विच एम एस वर्ड एम एस एक्सल तो एम एस पावर पॉइंट आता है उसका एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 9 की गल करिए, पावर पॉइंट डैश किस्म का सॉफ्टवेयर है, यह प्रेजेंटेशन किस्म का सॉफ्टवेयर, एग्जाम में यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया तो करके याद रखियो। तो पहला पावर पॉइंट किस द्वारा विकसित किया गया, रॉबर्ट गैस्किन से डेनिस आस्टिन नामक दो व्यक्ति जिन्होंने पावर पॉइंट का निर्माण किया। नंबर 11 की गल करिए, पावर पॉइंट शुरुआती नाम डैश सी जो यह बनाया गया से तो इन द्वारा दो भाइयों द्वारा रॉबर्ट गैस्किन डेनिस आस्टिन द्वारा यह बनाया गया से, उस टाइम इसका नाम की सी
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ ਐਸ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮ ਐਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਨੇਮ ਆਫ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਐਮ ਐਸ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ 2019 ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਐਮ ਐਸ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਲ ਦਾ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟੋਪ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ .ppt ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਨਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਯਾਨੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਲਾਈਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? Ctrl+D ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਅਪੀਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਫੇਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵੀਲ ਨਾਮਕ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਰਹੇਗਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਟੋਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।